जी हाँ, बिग बॉस का 17वां सीजन 15 अक्टूबर से शुरू होने वाला है और इसके वो होस्ट करते नजर आएंगे सलमान खान। ये शो पहले से ही चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इस शो में बहुत सारे यूट्यूबर्स आ रहे हैं। इस बार का सीजन थोड़ा अलग होने वाला है और सलमान खान ने बिग बॉस 17 के प्रोमो के दौरान इस बारे में बात भी की थी। प्रोमो में सलमान खान को 3 अलग अलग लुक में देखा जा सकता है क्योंकि वह बिग बॉस 17 की थीम पर संकेत देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दर्शकों को 3 अवतार देखने को मिलेंगे जो है दिल, दिमाग या मन और दम या शक्ति। वीडियो सलमान के यह कहने के साथ समाप्त हुआ, अभी के लिए इतना ही, प्रोमो हुआ खत्म। ऐसा लगता है निर्माताओं ने अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए आखिरी समय पर शो में भाग लेने वाले प्रतियोगियों के नाम बदल दिए हैं, सागर पारीक से लेकर एल्विस यादव की एक्स गर्लफ्रेंड तक। आइए एक नजर उन प्रतियोगियों पर डालते हैं जो बिग बॉस 17 में हिस्सा लेंगे और कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए धमाल मचाएंगे। बिग बॉस OTT2 विजेता एल्विस यादव किसी न किसी वजह से अक्सर लाइमलाइट में बने रहते हैं। इन दिनों जहाँ यूट्यूबर लंदन ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं, वहीं अब खबर ये आ रही है कि बिग बॉस के मेकर्स ने उनकी गर्लफ्रेंड यानी कृति मेहरा को शो में आने के लिए संपर्क किया है। कृति ने वीडियो साझा किया और सभी को बताया कि वह 15 अक्टूबर को अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज देंगी। इस हिंट के बाद सभी का मानना है कि वो जरूर रियलिटी शो में ही आने वाली हैं और अपने टैलेंट को दिखाएंगी। विवेक चौधरी और खुशी पंजाम सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पॉपुलर है। दोनों की जोड़ी फैंस को काफी ज्यादा पसंद आती है। ये कपल अक्सर एक साथ वीडियो बनाते हुए नजर आते हैं और इनके कंटेंट फैंस को बेहद पसंद आते हैं। खबर है कि विवेक और खुशी बिग बॉस 17 में एंट्री कर सकते हैं। उनकी एंट्री दर्शकों के लिए किसी बड़ी ट्रीट से कम नहीं होगी। एल्विस यादव, मनीषा रानी और अभिषेक मल्हान जैसे यूट्यूबर्स के बिग बॉस में धूम मचाने के बाद अरमान मलिक अपनी पत्नी पायल मलिक के साथ बिग बॉस 17 के घर में आ सकते हैं। यूट्यूबर अपनी दो पत्नियों को लेकर मशहूर है। इस जोड़े ने 2011 में शादी की और उनका एक बेटा भी है। वहीं उन्होंने पायल को तलाक दिए बिना कृतिका से शादी भी कर ली। हालांकि ये सभी एक ही घर में रहते हैं और उसी का वीडियो बनाते हैं। हाल ही में दोनों ही पत्नियों ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। फिरोजा खान बिग बॉस OTT2 के कंटेस्टेंट जद हदीद को डेट कर रही हैं। अब वह शो का हिस्सा बनेंगे कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी बिग बॉस 17 में भाग लेती नजर आएंगी। कहा जा रहा है कि निर्माताओं ने बॉलीवुड में वापसी के लिए रियलिटी शो में भाग लेने के लिए उनसे संपर्क किया है। ममता पिछले काफी समय से लाइमलाइट से काफी दूर है। अभिनेत्री ईशा मालविया बिग बॉस 17 के घर में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हाल ही में वह आशीर्वाद लेने के लिए स्वर्ण मंदिर गई। एक्ट्रेस को शॉपिंग करते हुए भी स्पॉट किया गया। तो आप सबको इनमें से कौन सी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद आती है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, जाते ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।